हेलो फ्रेंड्स, में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले पांच रुपए का एक पैनी स्टॉक देखिए पैनी स्टॉक्स का मतलब क्या होता है पैनी स्टॉक्स का मतलब होता है वो छोटा सा स्टॉक ओके वो, वो कम प्राइस का स्टॉक जो आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है मार्केट uh, में आपको ऐसे ऐसे स्टॉक भी मिल जाएंगे जो पचास पैसे के भी है ओके okay, जो नेगेटिव में भी चल रहे हैं बट हमें ऐसे स्टॉक्स को चुनना है जो कि ग्रोथ दिखाता हो जिसमें हमें पता हो कि हाँ आगे चल के ये स्टॉक इस लेवल पर पहुंच सकता है तो उसी तरीके से हमें उस, उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बिहेव करेंगे तो हमें इसी तरीके अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हैं टेक्निकल इससे पहले भी यहाँ पर वीडियो में बताई बन, बन, थी तब भी यहाँ पर अगर बात करें आपके पैसों को डबल होता हुआ देखा गया था फिर उसके बाद आज के दिन दोबारा वीडियो बना रहा हूँ फिर दोबारा यहाँ पैसा आपका डबल होता हुआ दिखाई देगा आने वाले टाइम में तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूँ चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो आज की डेट में यहाँ पर दो वीडियोज़ यहाँ पर सॉरी एक वीडियो आ चुकी है यहाँ पर चार्ट ऑफ द वीक के हिसाब से यहाँ पर इस वीडियो को देख लीजिए कल की डेट में यहाँ पर दो तीन वीडियो आई थी इन्हें देख लिए बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रेडिंग डी अकाउंट नहीं है क्लिक करें फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए तो हम जिस पर्टिकुलर स्टॉक से

वीडियो नहीं बनाता तो अगर देखिए सबसे पहले यहां पर अगर बात करें तीन महीने पहले तो यहां पर अगर मैं आपको दिखा दूं जेपी पावर तो यहाँ पर अगर हम बात करते तीन महीने पहले यहाँ पर यहाँ पर वीडियो बनाई गई थी उस टाइम इसका प्राइस क्या चल रहा था तो अगर हम बात करें तीन महीने पहले यहाँ पर लगभग लगभग ये तीन रुपये के आसपास शेयर चल रहा है तीन रुपये बीस पैसे तीस पैसे के आसपास शेयर था उसके बाद अगर हम बात करें तो छः रुपये साठ पैसे पर शेयर जाता हुआ दिखाई दिया है तो यहाँ पर आपके पैसे यहाँ पर डबल उस टाइम भी हुए तीन महीने में अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर पैसे डबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा पैसे डबल करने का मौका और पैसे डबल हो भी गए यहाँ पर लिखा गया था पैसे डबल करने का मौका पैसे डबल गए। तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा काफी लोगों ने पर अप्रिशिएट भी किया था तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी इसके आई बटन पर लिंक दे दूंगा बट अगर इस वीडियो की बात करें जो हम अभी रिसेंट यहां पर बना रहे तो पर जेपी पावर करती है सबसे पहले वो जान लेते हैं तो देखिए जनरेशन ऑफ पावर

यहां पर प्लांट है 320 का यहाँ पर यहाँ पर अगर देखेंगे ये टी डी इससे रिलेटेड इसका बिना मध्य प्रदेश में यहाँ पर फाइव मेगावाट का यहाँ पर थर्मल प्लांट है तो यहाँ पर इस चीजों को आपको देखना होगा पावर त्र, 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 पा, पावर ट्रांसमिशन का पा, पार्ट कौन सा है हाइड्रो पावर में कंपनी काम करती हुई नजर आती है थर्मल पावर में तो इससे रिलेटेड यहाँ पर आप पढ़ लीजिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कंपनी है क्या तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं जितने भी पावर की कंपनियां ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है टाटा पावर को ले लीजिए इसके अलावा अडानी पावर को ले लीजिए और दूसरी पावर कंपनी को ले यहाँ पर ले लीजिए तो वो सेक्टर सारा का सारा बूम पे है यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेक्टर बूम पर और आगे चल के ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है ये आगे और चलने वाला है क्योंकि यहाँ पर ईवी आ रही है यहाँ पर पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा होने वाला है इंडिया में अभी पावर कंजन उस रेंज पे नहीं होता जिस तरीके से फॉरेन कंट्रीज में होता है बट पर पर अगर बात करें इंडिया इंडिया की तो इंडिया में पावर कंजन दूसरी कंट्री के मुकाबले कम हो रहा है और अगर बात करें हमारी जनसंख्या ज्यादा है हमारा पावर कंजन ज्यादा होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले हैं वहां पर पावर कंजप्शन होने वाला है तो यहां पर कौन सी कंपनी काम आएगी यहां पर कंपनी काम आएगी पावर पावर की कंपनी है जो जितनी भी जयप्रकाश पावर तो ये कंपनी इसलिए ही अगर बात करें काम करती हुई नजर आएगी यहाँ पर जेपी सीमेंट यहाँ पर ये जेपी हॉस्पिटल हॉस्पिटल ये इनके कंपनी के कुछ यहाँ पर अगर बात करें सब्सिडीज कह सकते हैं तो ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर पावर जनरेशन पावर ट्रांसमिशन में कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज इनके जाके देख सकते हैं और बाकी फाइव हंड्रेड मेगावाट थर्टीन हंड्रेड मेगावाट फोर हंड्रेड मेगावाट ऐसी कैपेसिटी है यहाँ पर इस चीज को आपको समझना होगा इसके अलावा बात करते हैं मार्केट कैप की देखिए कहते हैं ये पेनी स्टॉक है बट ये पेनी स्टॉक नहीं है एक्चुअली यहाँ पर मार्केट कैप

बट अगर देखें यहां पर अभी की डेट में तो यहां पर पिछले चार तीन क्वार्टर की बात करें तीन क्वार्टर में इसके जो सेल्स है वो यहाँ पर हाईएस्ट एवर सेल्स आनी यहाँ पर शुरू हो गई है इवन इफ यहाँ पर देखिए पेंडेमिक था फिर भी यहाँ पर 914 करोड़ रुपए की सेल हुई है और इससे पहले यहां पर जब पेंडेमिक था तो छह तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर, पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया क्वार्टरली पर बेसिस बात करें तो लगभग इक्वली इक्वल ही यहाँ पर कहेंगे इसके बाद बात करें एक्सपेंस की तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंस क्वार्टरली बेसिस पर घटते हुए नजर आ रहे हो और यहाँ पर कुछ चीजों की बात करें तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी घाटे में चला

नेगेटिव से प्रॉफिट में आई फिर प्रॉफिट में यहाँ पर कंपनी तो कंपनी ने एटलीस्ट प्रॉफिट में आना शुरू कर दिया जहां पर इकतीस करोड़ का घाटा हुआ करता था वहां पर आज चार से पांच करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है यह अच्छी बात है बट एक नेगेटिव बात है कि कंपनी के ऊपर अभी भी अब अच्छा खासा कर्जा है जिसकी वजह से कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर इंटरेस्ट देती हुई नजर आती है आज की डेट में भी बात करें जून में इस क्वार्टर में एक करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्होंने केवल इंटरेस्ट पे किया है तो एक बार इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी धीरे धीरे अपने आपको कम अपने कर्ज को कम कर रही है जो कि आगे देखेंगे देखिए सेल्स कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है इस बार की जो सेल्स है वो कह सकते हैं हाईएस्ट या तो मार्च में उससे पहले आई थी सोलह में आई थी फिर दो हजार उन्नीस में था और अब बात करें अब दोबारा कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करना शुरू कर दिया सेल्स अच्छी खासी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही है प्रॉफिट यहाँ पर जब कोई नेगेटिव में था अब यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव आना शुरू हो गया दो करोड़ का पॉजिटिव यहाँ पर प्रॉफिट आना शुरू कर दिया है कंपनी अब धीर धीरे धीरे अच्छा खासा यहाँ पर आपको परफॉर्म करती हुई नजर आएगी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पर कुछ पॉजिटिव और पॉइंट्स की की तो यहां पर की sales. Sales uh, reserves, sorry, reserves तो पर पर देखिए इस कंपनी कंपनी सेल्स सेल्स सॉरी देखेंगे के पास बात करेंगे uh, 10 करोड़, 10 करोड़ के का पैसा है। और बोरिंग कितनी है, ये है uh, केवल पांच हजार दो सौ सत्रह परसेंट की uh, sorry, सत्रह करोड़ रुपए की बोरिंग रह गई है कभी बोरिंग कभी कितनी होती थी बाईस सौ करोड़ रुपए की तो देखिए कंपनी को पता चल गया कंपनी के मैनेजमेंट को पता चल गया कि हम जिस सेक्टर में हम काम करते हैं पावर सेक्टर में यह कंपनी आगे चल के और ग्रो करने वाली है इसलिए कंपनी ने क्या किया यहां पर अपनी जो इनकी फिक्स एसेट थी तेईस करोड़ की पर आधी एसेट दस हजार करोड़ सॉरी यहां पर थोड़ी सी एसेट यहां पर बेचती हुई नजर आई फिर यहां पर अपनी एसेट बेची और एसेट बेच बेच के यहां पर इन्होंने अपने बोरइंग को कम किया बोरिंग कम होगी तो यहां पर लोग एफआई डीआईस यहां पर भागेंगे

चौदह हजार दो सौ तीन करोड़ रुपए है यहाँ पर और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नौ सौ करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ये कैश तीन सौ एक करोड़ रुपए का कैश है तो कंपनी धीरे धीरे अच्छा खासा परफॉर्म करने लग गई है और कंपनी का हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो रहा है ये सबसे अच्छी बात है आर ओसी छह पर कम है कोई इशू नहीं है धीरे धीरे कंपनी यहाँ पर अच्छा आरओसी में भी कर रही है तीन चार परसेंट का आरओ सी चलता था दो हजार इक्कीस में छह परसेंट का आरओसी कंपनी आ गई है मतलब दो हजार चौदह पे आ गई है और धीरे धीरे और कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी मोटर्स की बात करें छब्बीस परसेंट के शेयर प्रोमोटर्स के पास है उसमें से अच्छे खासे शेयर यहाँ पर गिरवी रखे हुए हैं तो इस बात को भी याद रखिएगा डी आई एस यहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे करके यहां पर निकल रहे थे ओके एफ आई सॉरी और डी आई एस की बात करें डी आई एस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर निकल रहे हैं बट यहाँ पर ये यह शेयर और आगे जाने की काबिलियत रखता है और जैसे यहाँ पर अच्छा खासा है थोड़ा सा और बोरिंग अपनी कम कर देगा पांच हजार करोड़ की है धीरे धीरे जो कि कर भी -दी रहा है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम बात करें यहाँ पर सत्तावन सौ चौबालीस करोड़ की बोरिंग थी अब बावन सौ सत्रह करोड़ की थी इससे पहले ग्यारह सौ करोड़

तो यहाँ पर देखिए लगभग दस रुपए के आसपास है और इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए यहां पर रुका फिर यहां पर रुका इसके अलावा यहां पर भी रुका यहां पर यहां पर अगर बात करें रिवर्स हेड एंड शो, है, एं शोल्डर रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहां पर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है वो भी कॉम्प्लेक्स तो यहां पर देखिए यहां पर एक बार यहाँ पर शोल्डर बनता हुआ नजर आया फिर यहां शोल्डर बनता हुआ नजर आया एक अच्छा खासा बड़ा सा हेड यहां पर बन रहा है ओके फिर यहां पर एक शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर जब ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा तो एक अच्छा खासे रिजल्ट के साथ आपको ये शेयर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आएगा और कितने परसेंट के गेन देता हुआ नजर आएगा अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें इस पर्टिकुलर शेयर की इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो कितना हमारा टारगेट आ रहा है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं तो इसका टारगेट कितना आ रहा है इसका टारगेट वही टारगेट आ रहा है जो है कि हमारा यहाँ पर आ रहा है लगभग चौदह पंद्रह रुपए के आसपास तो यहाँ पर कंपनी पंद्रह रुपए के आसपास जानी ही जानी है इसे थोड़ा थोड़ा सा टाइम देंगे यहाँ पर वॉल्यूम शुरू हो गया पर, आ रहे थोड़ा सा पर शेयर को यहाँ पर गिरा सकते हैं इस चीज को भी याद रखिएगा पहला टारगेट पैसा डबल दूसरा टारगेट आपका पैसा ट्रिपल ओके यहाँ पर पांच से पंद्रह रुपए मतलब तीन गुना यहाँ पर पैसा आपका बनता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर जब भी ये गिर रहा है मैं तो बाईस

कम टाइम में मिले बट मिले तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर पोजीशन लेनी है लालच में बिल्कुल नर पड़ेगा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करना है ताकि दूसरे लोगों को भी ये वीडियो मिल सके शेयर भी करिएगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस